कम्युनिटी फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है जन्नत उमर और ये मेरी पप्पो का चैनल है। आज मेरी पप्पो हमारे घर आई नहीं थी तो मैंने कहा मैं आपका व्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो वो देखिए अभी मेरी पप्पो मेरी बहन की छुट्टियां कर, पप्पो अभी मेरी सिस्टर की हेयर्स बना रही हैं जैसे मेरे बनते वैसे उसकी बना रही। वो रैन बैठी है नहीं, हेलो कर दो रैन। हेलो रेडी हो गई है ना? नो नो नो, चलाया हो ना? आपको सुनाओ, बहुत टाइम हो गया। आ जाओ, ये खेलने वाली चीज नहीं है, चलो इसको छोड़ दो। कहाँ है? आ जाओ, मामा जा रही है। बाय। रेन यहाँ पे सो गई है और मैं अब कुकिंग करने के लिए जा रही हूँ। मैं जब भी मामा की तरफ गई हूँ तो ज़्यादातर कुकिंग फिर रेन सो गई थी और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज मामा ने कहा है कि आप हमें मसाला राइस बना के खिलाओ। तो ये देखें वेजिटेबल्स आ गई हैं, मैंने कट करती हूँ और फिर आपको दिखा। चिकन को मैंने मैरिनेशन करके रख लिया था तो बस अब इसको कुक करूँगी। यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स भी कट गई हैं तो एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऐसी ये फ्रीज थोड़ा सा हुआ है तो जब इसे सेक लगेगा ये खुद ही पीसेस अलहदा हो जाएंगे। तो इसको कवर करके हम ना दरमियानी आंच पर पकाएंगे। वाह मुझे दिखाओ, वेरी नाइस, कलर तो बहुत प्यारा। जोहा भी पहन रही है, जोहा दिखाएं। वाह जोहा के भी कलर बहुत प्यारा है, जोहा इसको ठीक करें। वाओ पप्पा आपने कितनी प्यारी वेजिटेबल्स चॉप की हैं, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज, ग्रीन अनियन, चिलीज एंड सोया सॉस। पप्पा आप अब क्या कर रही हैं? अब मैं ये चिकन कट कर रही हूँ। आप कितना फाइन चॉप करती हैं। आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं क्या बना रही हूँ कि आपका फेवरेट मसाला राइस। यस मुझे बहुत पसंद है मसाला राइस। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स की प्रिपरेशन कर ली है, बस अब जल्दी से पप्पा कुक करेंगी और मेरे बच्चे खाएंगे। ये मेरा ही सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ध्यान से जन्नत, अंदर कोई इसका वो छिलका ना चला जाए। वाओ कितना प्यारा लग रहा है। ध्यान से इसको अंदर नहीं डालना। सोहा आपका भी दिल कर रहा है पप्पो की हेल्प करने का? जन्नत ध्यान से, अल्लाह हू अकबर पढ़ते हैं फिर तोड़ते हैं। अच्छा जन्नत आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है? बड़े होके कर देंगी कुकिंग? आराम से चले। वेरी गुड। चले जन्नत, जोहा जन्नत ने अंडे ब्रेक किए हैं, अब जो जोहा है वो इनको मिक्सिंग करेगी, ठीक है? दोनों मिल के चले। वहाँ से डस्टर लाई, यहाँ से इसको साफ करेंगे। देखिए सारा मैस हो गया। चले इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी और सॉल्ट ऐड करें। ब्लैक पेपर किसके पास है? जोहा चले आप ऐड करें थोड़ी सी ब्लैक पेपर। चलो थोड़ी सी और, चले बस इतनी बहुत है। चले अब बीटर पकड़े और इससे अच्छी तरह कौन बीट करेगा? जोहा की बारी भी, जोहा की जन्नत ने कर ली था। बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं, अच्छी तरह बाहर ना आए बाउल से। अच्छा वेरी गुड। बड़े हो गए कुकिंग किससे सीखेंगी? चलो अच्छी तरह इसको मिक्स करें। चलो जन्नत आपकी बारी है, इसको अच्छी तरह करें। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे करें। गुड।
आज तो मैंने घर से ले जाना, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना फिर केक भी बेक करेंगे। ठीक हो गया? मम्मा की बर्थडे पे आना। चलेंगे, हो गया जन्नत? यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, अब हम जल्दी से बनाएंगे क्या बच्चों? मसाला राइस। तो मम्मी के जो ये चूल्हे हैं मुझे पसंद नहीं है, इनमें गैस बहुत कम आती है, तो इसको हम अब स्टैंड को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम एक और जो है वो बर्नल वाला जो है ना चूल्हा वो रखेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। पप्पा ने अब चूल्हा सेट कर दिया जी, अब हम करेंगे कुकिंग स्टार्ट। ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लगता है जब हम खाएंगे हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाल के एक छोटा सा प्याज है उसको चॉप किया था वो डाल के लाइट सा, जब उसका पिंक सा कलर आएगा तो हम इसके अंदर लहसुन पाउडर और चिकन ऐड करके अब इसका जब तब तक इसको फ्राई करेंगे तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पर चिकन का कलर जो चेंज हो गया, अब हम इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। चले अब हम इसके अंदर कैप्सिकम और जो कैरेट है वो अपनी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च और जो गाजर है वो भी हमारी हो गई थी, अब हम इसके अंदर बंद गोभी और ग्रीन ऑनियंस हरा प्याज जिसे कहते हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, हम अब अलहदा से फ्राई पैन में अंडों को बना के वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सोया सॉस थोड़ी ऐड करेंगे और इसके अंदर ही मैं चावलों को डाल के और दम लगवाऊंगी। चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, अब उतना ही पानी ऐड करूंगी जिसमें इनको दम आ जाए। अब जैसे ही इसको बॉयल आएगा इसका पानी ड्राई कर लेंगे और चावलों को दम पे रख देंगे। दैट्स इट, हमारे मसाला राइस रेडी हो जाएंगे। अभी हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है, अभी मैंने इसमें ऑयल या घी ऐड नहीं किया है, अब मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड कर दिया, अब इसको मेल्ट करके तो दम पे रख देंगे। दैट्स इट हमारा चिकन। अब मैं इसके इसमें कलर के लिए ना थोड़ा सा फूड कलर जो है वो ऐड कर रही हूँ, मिक्स करेंगे तो ये सारा। यहाँ पर राइस को भी हम दम दे देंगे और हमारा चिकन भी रेडी हो गया है, तो बस बच्चे एक्साइटेड हैं कि वो जल्दी से बन जाए, हमने खाना है। चावल हमारे बहुत अच्छा दम आ गया है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।